Hello, my dear students, how are you all? I hope you will fine and I welcome you to science class for class 7. And today we are going to start the new chapter, that is weather, climate and adaptation of animal to climate. Okay, that is chapter 7. Okay, so without wasting time, let's get started. Okay, so we know that our Earth is the only planet on which the life is possible. Okay, why? Because Earth has all the conditions for survival of plant and animals. Okay, yes, so the plant and animal both are living on the Earth, both can survive on the Earth, and both are interdependent on each other. Okay, and we human being get many useful things from these plants and animals. We get food, okay, we get food, we get shelter, we get medicine, we get many things from the these plant and animals. Okay, yes, so our earth has a layer of gases. हमारे अर्थ के चारों तरफ एक गैस की लेयर है जो कि लाइफ को पॉसिबल बनाती है अर्थ पे. ओके, यस, जो कि जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, यस, सो बहुत सारी चीज़ें हैं. और ओके, यस, और भी बहुत सारे प्लैनेट है जो हमारे सन के चारों तरफ जो कि रिवॉल्व करते हैं. जो हमारा सन है इसको चारों तरफ बहुत सारे और भी प्लैनेट हैं. ओके, there are 8 planet and our earth is the one of them, that is the earth. okay, yes, so kuch factor hain, kuch reasons hain jiski wajah se earth pe life possible hai, wo kya hai dekhte hain. so first hai distance of earth from sun. okay, so jo sun hai wo first, you know that after sun we have a mercury, then we have a venus, then we have a earth. ओके, सो द अर्थ इज नीदर टू मच क्लोज नीदर टू फार. ओके, ये काफ़ी ज़्यादा सन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है और काफ़ी दूर भी नहीं है. ओके, ये थोड़ी सी दूर है, मिडल में है, ठीक है, बीच में है. इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से क्या होता है कि इसमें इनफ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर या हीट जो है इसको मिल पाती है. ओके, यस, अगर ये काफ़ी दूर होता तो यहाँ पे टेम्परेचर उतना नहीं हो पाता और ठंडी की वजह से यहाँ पे सरवाइव नहीं हो पाते. और अगर हम लोग अर्थ सन के काफ़ी नज़दीक होते हैं तो उसकी हीट की वजह से हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है. तो ये बीच में है तो क्या है, टेम्परेचर इसका बना रहता है एक अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो एवरेज 30 डिग्री सेल्सियस इस पर बना रहता है टेम्परेचर, जिससे कि लाइफ पॉसिबल हो पाती है. ओके, देन अ लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. इसका क्या रोल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का जो लेयर है उससे क्या होता है कि जो सन से जो हीट आती है वो वापस पूरी की पूरी नहीं जा पाती है. ये कुछ जो होते हैं, जो लेयर है, ये कुछ उसको रोक के रखती है और जिससे कि जो अर्थ पे जो थोड़ी सी टेम्परेचर बना रहता है कांस्टेंट, मतलब कि बरकरार रखता है. ओके, जिसकी वजह से ये काफ़ी एक्सट्रीम कोल्ड भी नहीं होता और एक्सट्रीम हॉट भी नहीं होता है. ओके, यस, देन वी हैव अ लेयर ऑफ ओजोन, ठीक है. अभी ये हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर ऑफ ओजोन भी है जो कि हमारे जो सन से जो हार्मफुल जो रेडिएशन है उनको रोकती है, ठीक है. सो इस तरह से भी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है वो बचे रहते हैं हार्मफुल रेडिएशन से. ओके, व्हाई, बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ ओजोन. ओके, सो ये कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से जो लाइफ है वो पॉसिबल है ऑन अर्थ. ओके, यस, सो लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. ओके, ओके, यस, सो ऑन आवर अर्थ वी हैव द फॉरेस्ट, वी हैव द लैंड, वी हैव अ बिग ओशन, ओके, ह्यूज ओशंस, देन वी हैव ब्लू स्काई, ओके, देन वी हैव इन्वायरमेंट. ओके, ऑल दीज थिंग्स मिक्स टुगेदर एंड दे आर कॉल्ड इन्वायरमेंट. ओके, सो एंड वी हैव अ वेदर, वी हैव अ क्लाइमेट. ओके, सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट इन डिटेल. ओके, यस, लेट्स सी वेदर. सो यू माइट हैव सीन पीपल asking what is weather today,
what is today's weather, okay? And you get the news in TV and in newspaper, okay, about weather, okay? सो वेदर के बारे में हम लोग टीवी या न्यूज़पेपर में हम को पता चलता है. सो वेदर कैसे कैसा हो सकता है? वेदर हो सकता है सनी वेदर हो सकता है, रेनी वेदर हो सकता है, क्लाउडी वेदर हो सकता है, या विंटर या कोल्ड वेदर हो सकता है, ठीक है? सो ये जो वेदर है ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है, जो डेली डेली बदलता रहता है. आज कुछ आज थोड़ा सनी हो गया, कल रेनी हो जाएगा, परसों क्लाउडी हो जाएगा, या आज सुबह या टाइम के टाइम टाइम पे भी चेंज होता है. जैसे कि आज सुबह आपको क्लाउडी है, बाद में रेन हो गया, ठीक है, या शाम को चल के फिर सनी हो गया, ठीक है. तो ये होता है वेदर. वेदर फिर क्या डेफिनेशन हो गया? सो वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर, व्हाट इज एटमॉस्फियर? एटमॉस्फियर इज़ द लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ, ओके? सो ये जो लेयर ऑफ गैसेस है अर्थ के चारों तरफ, ये जो लेयर ऑफ गैसेस है इसी को बोलते हैं, ये क्या है? एटमॉस्फियर, ओके? यस यस. सो डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फियर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ईटीसी इज कॉल्ड वेदर ऑफ दैट प्लेस, ओके? सो किसी एक टाइम पे, ठीक है, मान लो कि इंडिया में, ओके, अर्थ है, इस पे इंडिया है. सो ये इंडिया में आज आज के डेट के दिन अभी के टाइम पे कैसा वेदर है? कैसा है? सनी है, रेनी है, ओके? सो कैसा है, कैसा वेदर है, दैट इज़ डिफाइंड द वेदर, ओके? कैसा सिचुएशन है, ठीक है, एटमोसफियर ही की सिचुएशन कैसा है, जो हम ऊपर का जो एटमोसफियर है वो कैसा है, दैट डिफाइन द वेदर, ओके? यस. देन द नेक्स्ट इज़ वी गेट दिस वेदर इन टेलीविजन, वी गेट दिस वेदर इन न्यूज़पेपर, ओके, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ओके? सो व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट, ओके? हमको उससे क्या क्या पता चलता है? हमको उससे पता चलता है कि सनसेट कब होने वाली है, सनराइज कब होने वाली है, मानसून मून सेट कब होने वाला है, मूनराइज कब होने वाला है, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आज का कितना होगा, या पर्टिकुलर डे का कितना टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी कितना होगा, एंड जनरल इन्फॉर्मेशन लाइक कि आज का दिन कितने बजे तक क्लाउडी रहेगा, कितने बजे सनी रहेगा, कितने बजे रेन होगा, ओके? सो ऑल दिस इन थिंग्स वी गेट फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट, ओके? यस. सो वेदर रिपोर्ट से ये सब चीज़ें हमको पता चलती है. ये कौन वेदर रिपोर्ट कौन फॉरकास्ट करता है? हमारे इंडिया में एक डिपार्टमेंट है, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो ये सब चीज़ें बताता है, ओके? यस. द नेक्स्ट इज क्लाइमेट. सो जो क्लाइमेट होता है ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है, छोटे छोटे वेदर को समझ के, वेदर का छोटे छोटे वेदर का एवरेज निकाल के, जो जो कंडीशन, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट, ओके? यस. ठीक, यस. सो जैसे कि कुछ रीजन होता है, जैसे कि, ओके, सो क्लाइमेट ये हो गया एक लॉन्ग टर्म, ओके, एवरेज ऑफ द वेदर, ओके. सो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि किसी जगह पे, जैसे मान लो इंडिया में प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वाटर, ओके, यस, अमाउंट ऑफ सनशाइन, कितना इस पे सनशाइन होता है, हाँ, कितने घंटे तक सनशाइन रहता है, कम होता है कि ज़्यादा होता है, एबिलिटी टू ट्रांसफर वाटर इनटू एटमॉस्फेयर, जो हमारे अर्थ पे, जो हमारे इंडिया में जो वाटर है वो ऊपर इवापरेट हो रहा है कि नहीं, कितना इवापरेट हो रहा है, क्योंकि इवापरेट होगा तभी वो जाके क्लाउड बनेगा, और क्लाउड बन के तभी वो रेन बनेगा, ठीक है? येस द प्लेस वेदर इट इज़ हिली और प्लेन, ओके, अगर हिली रीजन है तो वहाँ पे कोल्ड होगा, अगर प्लेन है तो वहाँ पे थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें, ओके. सो सम प्लेस हैव हॉटर क्लाइमेट देन अदर, ओके, देन ओके, जैसे कि डेजर्ट वर्सेस हिली रीजन, ओके. सो जो डेजर्ट होता है वहाँ पे पानी की काफ़ी कमी होती है, और वहाँ से इवापोरेशन कम होता है, इसलिए वहाँ पे जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में वो कम होते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर फील होता है, ओके? यस. देन हिली रीजन में कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर रहता है, ओके. अगर हम लोग इक्वेटर देखते हैं, जो सन सॉरी जो अर्थ हमारी है, ठीक है, जो हमारी अर्थ है, ये जो इसके बीच से एक लाइन जाती है, एक्चुअली है नहीं, ये इमेजिनरी लाइन हम लोग समझते हैं, तो इसको बोलते हैं इक्वेटर, ई क्यू,
यू ए टी ओ आर इक्वेटर। ओके सपोज यहाँ पे हमारा सन है, सो जो इसकी सन रेज है वो डायरेक्टली एकदम फॉल होती हैं, कॉन्सनट्रेटेड एंड डायरेक्ट फॉल होती हैं इक्वेटर पर, ठीक है। और जो साइड में है इसको बोलते हैं पोल्स, ये होता है नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो जो पोल्स है वहाँ पे काफ़ी कम सनलाइट या उतनी तीखी लाइट नहीं जाती है, ओके, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है। तो हम जितने भी देश, जितने भी कंट्री इतने ये रीजन के बीच में आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हॉटनेस होता है, काफ़ी वार्म वेदर होता है। और जो ये रीजन में आते हैं, हाँ, जो ये रीजन में और जो ये रीजन में आते हैं कंट्री, उनमें काफ़ी थोड़ा कंपेरेटिवली टेम्परेचर कम होता है, लो होता है। ओके सो ये जो रीजन होता है, सिंस यहाँ पे भी रेनी सीजन होता है, यहाँ पे भी विंटर सीजन होता है, यहाँ पे भी समर सीजन होता है, और ये एरिया में भी समर सीजन, हमारे जैसे हमारे यहाँ पे भी समर सीजन होता है, विंटर होता है, ओके, रेनी होता है, ओके, कोल्ड होता है। तो ये क्या हो गया, ये वेदर हो गया। लेकिन अगर एक बड़े टर्म में देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, तो ये वार्म टेम्परेचर हो गया, और इधर का कैसा हो गया, कोल्ड टेम्परेचर हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी रेनी है, कोल्ड है, समर है और बाकी सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर एक मोटे मोटे तौर के या बड़े परसेप्शन से देखें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है या जो क्लाइमेट है या जो एटमॉस्फियर है वो थोड़ा कोल्ड रहता है। क्यों? क्योंकि जो सन की रेज है वहाँ पे, यहाँ पे तिरछी जाती हैं, तिरछी ऐसे स्लैंट रेज जाती हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरेटिवली टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर लो रहता है। ओके यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क, यू हैव सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जिसको अटेम्प्ट करना है। ओके यस, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय वेदर एंड क्लाइमेट, ओके, सो आंसर देम। व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम वेदर रिपोर्ट, यस, सो सनशाइन, सन रेज एंड मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ऑल दिस थिंग्स। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्लाइमेट, ओके, सो हिली, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके यस, सो राइट इट, सो कीप स्टडिंग, बाय बाय।